next station is New Peace. ऑलराइट गाइस, सो वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम अमित और वीडियो में स्वागत है आपका। और आज मैं लेकर आया हूँ आपको नेहरू प्लेस में। गाइस, मैं खड़ा हूँ इस समय नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के सामने। देखिए मेरे पीछे है मेट्रो स्टेशन नेहरू प्लेस का। और आपको बता देता हूँ कि नेहरू प्लेस आने के लिए जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन ही पड़ेगा। और उसके बाद आप वहाँ से जो है अलग अलग डायरेक्शन से आप नेहरू प्लेस में आ सकते हैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है नेहरू प्लेस के बारे में, तो चलते हैं और आपको दिखा देंगे यहाँ पर क्या क्या है। तो आगे चलते हैं। और साथ ही साथ गाइस आपको बता देता हूँ कि सामने जो है वो है मेट्रो स्टेशन। और अगर आपको इस रोड से जो है आपको अगर यहाँ से पैदल नहीं आना है तो आप जो ऊपर ये स्काई वॉक बना हुआ है जो कि यहाँ से आ रहा है, आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से भी जो है इसको स्काई वॉक के थ्रू जो है आप वहाँ से होते हुए आप पैदल वहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है नेहरू प्लेस की। और ये है जो मेन नेहरू प्लेस का जो एंट्रेंस है वो है यहाँ पे। यहाँ देखिए सामने लिखा भी हुआ है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए लिखा है नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन। तो ये मेन एंट्रेंस है मेट्रो स्टेशन का। उसके बाद अब आगे चलते हैं और आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं नेहरू प्लेस में क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पर आपको सामने जो है सबसे पहले बैग भी मिल जाएगा और उधर से भी जाने का रास्ता है, तो मैं आपको वहीं से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि आगे से ही जाके मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा सारा। तो गाइस ये है नेहरू प्लेस का मेन ग्राउंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेन जो ग्राउंड है यहाँ से आप मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। एक जस्ट इसके पीछे वाला भी मेट्रो स्टेशन है जो कि इस बिल्डिंग के जस्ट बिल्कुल सामने है, वो मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, लेकिन उसका रूट अलग है। फ़िलहाल आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस, ये है पूरी मार्केट। ये मेन मार्केट नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि नीचे जो एक ग्राउंड फ्लोर से यहाँ पे खाने पीने की भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे अब और नए जो है ब्रांड्स जो है यहाँ पे आउटलेट खुल चुके हैं, बाकी और भी हैं बहुत सारे, तो आपको जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। और गाइस देखिए, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है ना, यहाँ पे आपको सारे ब्रांड आउटलेट्स हैं यहाँ पे मिल जाएंगे। HP, Dell, ASUS और जितने भी हैं Acer's, ज़्यादातर ये रिटेल आउटलेट्स हैं यहाँ पे, ये आपको सब मिल जाएंगे। वहाँ पे सामने जो है आपको वहाँ पे अगर आपको खाने के लिए कुछ ढूंढना है तो आप अगर इधर से आ रहे हैं तो आपको यहाँ से जो है सामने कुछ खाने पीने का मिल जाएगा। इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं और अभी काफ़ी क्राउड है यहाँ पर चारों तरफ। यहाँ पे देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सारा जो है ब्रांड आउटलेट्स है, Acer, Republic, ROG का, डेल का है यहाँ पर। यहाँ पर ये आ गया है ओमेन प्लेग्राउंड, ये भी कुछ गेमिंग से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ बीच। ये ग्राउंड है, आप इसको मान लीजिए सेंटर है नेहरू प्लेस का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उधर से आया था वहाँ सामने से, और उसके बाद ये लेनोवो का एक आउटलेट है यहाँ पे, और ये है, और ये नेहरू प्लेस के जो दो पार्ट है गाइस, एक तो ये वाला हिस्सा है, ये सारा है यहाँ पे, और जो मेन डिटेल आउट जो पार्ट है वो यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ से लेके पूरा का पूरा। मैं अभी आपको पूरा दिखाऊंगा यहाँ से, पूरा जो है आउटलेट ये डिटेल का है, यहाँ से दिखेगा। सामने जो है पार्किंग है, लेकिन उसका एक्सेस जो है वो दूसरी साइड से है। उसके अलावा यहाँ सामने खाने पीने के लिए एक रेस्टोरेंट है सोना करके, वो यहाँ पर सामने है, और बाकी एक पूरी रो है, अभी मैं आगे दिखाता हूँ आपको। तो गाइस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, इधर से शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये जो पूरा का पूरा रो है यहाँ से करके, ये पूरी जो लाइन है ये कपड़ों की लाइन है, मोबाइल एसेसरीज़ की लाइन है यहाँ पर। और यहाँ पर सारी जो है आपको मोबाइल एसेसरीज़, कपड़े, चश्मे, बाकी जो भी चीज़ है सब मिल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी घूमने में। ये देखिए यहाँ पर है घड़ी की दुकानें हैं यहाँ पे छोटे बच्चों के सब, और बाकी ये सारा रिटेल का, जूते, शर्ट्स,
ये पूरा जो स्ट्रेच है गाइस यहाँ तक जाता है, मैं आपको पूरा एंड तक दिखाता हूँ। उसके अलावा आपको दिखा देता हूँ कि इधर की जो साइड है, यहाँ पे ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, ये सारी बिल्डिंग्स है। यहाँ पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल आउटलेट्स है, खाने का यहाँ पे आउटलेट बना हुआ है सामने, ये हो गया। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ, पूरा आपको मैं राउंड दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सारा जो है शर्ट्स, पूरा कपड़ों का जो है यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं और डेली स्टॉल लगती है ये, तो आप कभी भी आएंगे, संडे को छोड़ के, संडे को नेहरू प्लेस बंद रहता है। तो बाकी यहाँ छोटे बड़े आउटलेट्स हैं, ये सारा गाइस रिटेल का मिलेगा आपको यहाँ पे, ये सारा रिटेल है, संडे को क्लोज रहता है। आपको दिखाते हैं, अगर आपको लैमिनेशन करानी है अपने मोबाइल पे, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी वैरायटी है यहाँ पे मोबाइल लैमिनेशन की और लैपटॉप लैमिनेशन की भी। देखिए बाकी सारी रिटेल शॉप्स हैं और क्लॉथिंग भी यहाँ पे गाइस रीज़नेबल प्राइस में है, काफ़ी वैरायटी है मोबाइल कवर से सारी चीज़ें। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के और आपको इसके बारे में बताता हूँ मैं। तो देखिए गाइस ये है नेहरू प्लेस, और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो ये वाली लाइन है ना, ये उतनी क्राउडेड नहीं रहती है, रिटेल का ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर इतना क्राउड नहीं रहता। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये मैक्सिमम खाली रहता है, छोटी मोटी शॉप्स यहाँ पे बनी हुई है। सामने है जो वो है वहाँ पे, ये पूरा जो हिस्सा है ये मोस्ट क्राउडेड रहता है, वहाँ पे सारे कंप्यूटर असेंबल होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह सब कुछ। तो अभी मैं वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, फिलहाल आपको इधर से मैं उस साइड में लेके चलता हूँ। यहाँ पे गाइस हमेशा चहल पहल बनी रहती है, अभी इस समय लगभग 3 बजने वाले, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्राउड यहाँ पे लगभग नॉर्मल ही है, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, कोई सा भी हो। ये देखिए मोबाइल एसेसरीज की शॉप्स, मोबाइल कवर्स, इधर क्लॉथिंग्स, ये देखिए ये सारी चीज़ें, ये देखिए मोबाइल एसेसरीज, देखिए गाइस यहाँ पे आपको सारी मोबाइल एसेसरीज जो है ना मिल जाएगी, बहुत सारी और भी शॉप्स हैं अलग अलग। यहाँ पे कुछ काफ़ी कम रेट में जो है टी शर्ट्स वगैरह मिलेंगी, ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड सब कुछ। आगे भी एरिया है, मैं दिखाता हूँ आपको सारा का सारा। ये देखिए यहाँ पे भी मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल लैपटॉप लैमिनेशन। गाइस नेहरू प्लेस में जो है ना सबसे ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप लैमिनेशन की वैरायटी आपको मिलेगी यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिज़ाइन है मोबाइल के भी और लैपटॉप के भी। भैया कितने क्या प्राइस होता है आपका? हाँ जी 100 और मोबाइल पे 100 पूरा मोबाइल कवर पे कितना, लैपटॉप कितना? लैपटॉप 200 में कंप्यूटर जाएगा, फोन 100 का। अच्छा और बाकी कुछ वैसे भी रेंज है क्या कि कैसे अलग अलग वैरायटी में? मैक्सिमम कितना क्वालिटी? मैक्सिमम बढ़िया बढ़िया क्वालिटी लोगों 500 में कंप्लीट हो जाएगा, फोन होगा 250 का। अच्छा भैया ने मेरे को बता दिया है, तो अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वैरायटी बहुत सारी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे लगाने वाले। बाकी एक मैंने आपको आइडिया दे दिया यहाँ पे, आगे दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए गाइस ये जो है यहाँ पे आगे मार्केट का जो मेन जो एरिया है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है लगभग, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको समोसा खा रहा है ना गाइस, तो मैं आपको एक छोटी सी लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे छोटी मोटी जो है छोटी छोटी खाने की स्टॉल्स तो है ही यहाँ पे। लेकिन अगर आपको समोसे खाना है तो गाइस मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये सामने जो है ये समोसे की शॉप है यहाँ पे, जो काफ़ी फेमस है और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे समोसा खाने के लिए। तो ये है, यहाँ से आगे जो है कुछ खास है नहीं मार्केट में, जनरली इधर से जो है आपको कालकाजी मंदिर का रोड मिल जाएगा। ये देखिए अगर आप यहाँ से सामने जाते हैं तो आपको जो है लेफ्ट लेंगे, कालकाजी मंदिर का जो है रोड आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आगे आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मार्केट को। देखिए गाइस यहाँ पे है बेल्ट्स की शॉप, यहाँ पे काफ़ी सारी बेल्ट्स की वैरायटी है, बेल्ट्स और वॉलेट्स ये सब। अभी आपको मेन सेक्शन में लेके जाने वाला हूँ जो कि कंप्यूटर लैपटॉप्स के लिए है। बाकी यहाँ नीचे सारी आपको रिटेल्स की शॉप मिलेगी। बहुत जल्दी में ख़त्म करेंगे ब्लॉग, लेकिन आपको सारी डिटेल बताएंगे। ये देखिए गाइस ये जो लेफ्ट साइड का एरिया है मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा और आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए ये जो है ना
ये वाला पूरा जो एरिया है ये मेन डिटेल का आउटलेट है, मेन आउटलेट है। और यहाँ पे आपको सारा कंप्यूटर असेंबलिंग का सामान मिलेगा, कंप्यूटर एसेसरीज, लैपटॉप्स नए पुराने सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए गाइस, तो ये सारा लोकेशन जो है पूरा आपको दिखा रहा हूँ। आज थोड़ा मार्केट में भीड़ कम दिखाई दे रही है, शायद गर्मी की वजह से, लेकिन ये जो पूरा रोड है ये आगे तक स्ट्रेच करता है, ये पूरा आगे तक जाता है और यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ से गाइस जो है सारी शॉप्स स्टार्ट हो जाती है, मेन मेन रिटेल वाली, और काफ़ी सारी जो है एसेसरीज सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी जो फेमस शॉप्स है, जितनी भी कंप्यूटर की जो भी एसेसरीज है वो सब यहाँ मिलेगी। तो गाइस ये जितनी सारी है ना, ये सारी रिटेल मार्केट है, यहाँ पर आपको सारा जो है कंप्यूटर एसेसरीज, लैपटॉप एसेसरीज जो है वो सब मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए जो यहाँ बीच में जो छोटे छोटे रोज़ है ना, वहाँ पे आपको जो है कंप्यूटर एसेसरीज जो है काफ़ी सस्ते प्राइस में मिलेगी। बाकी बहुत सारी वैरायटी है, ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ। हाँ जी बताइए क्या मैटर है आपका। तो ये है सारा का सारा एरिया नेहरू प्लेस का, सारी शॉप्स यहाँ पर, गेमिंग, लैपटॉप्स, एसेसरीज सब कुछ। और बाकी थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देते हैं मार्केट के बारे में। पूरी मार्केट जो है मैं आपको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, रिटेल की सारी मार्केट जो है वो यहाँ पे है, होलसेल प्राइस में मिलता है आपको सारा सामान। तो गाइस ये जो मार्केट है ना पूरी यहाँ तक स्ट्रेच होती है, और ये सारा जो है अपर ग्राउंड का ही एरिया है, आप फर्स्ट फ्लोर बोल लीजिए, अपर ग्राउंड बोल लीजिए, यहाँ तक जो है ये मार्केट जो है स्ट्रेच करती है पूरी। तो देखिए यहाँ तक जो है ये मार्केट यहाँ पे एंड हो जाती है, बाकी ये सारा जो है रिटेल का है सारा का सारा, और सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेगी आपको ए टू जेड कंप्यूटर्स की। बाकी ये नीचे जो है अंडरग्राउंड पार्किंग है, इसका एक्सेस जो आई थिंक कि दूसरी साइड में होना चाहिए, क्योंकि इधर से कोई भी वे पॉइंट है नहीं इसका बाहर निकलने का। बाकी ये मार्केट पूरी की पूरी है, मैंने आपको दिखाया, और अभी आगे चलते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है पूरा नेहरू प्लेस का, ये देखिए उधर सामने भी आपको जो है मेट्रो का जो है मेट्रो के लिए एंट्रेंस मिल जाएगा वहाँ पे। बाकी यहाँ पे छोटा मोटा खाने की जगह, और ये जो है आपका सेम छोटे छोटे जो है शॉप्स लगी है यहाँ पे, मोबाइल और लैपटॉप जो है लैमिनेशन करवाने की, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में हो जाती है। ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे आते हैं ना वो जब न्यू लैपटॉप परचेज़ करते हैं उस टाइम पर जो है आप जो लैमिनेशन करवाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी जो है छोटी छोटी लैमिनेशन की शॉप्स यहाँ पे बनी हुई है। और क्योंकि अभी दोपहर हो रही है तो इस समय आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे शाम बढ़ती है उस समय यहाँ पे लाइटनिंग काफ़ी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया सामने लेनोवो का जो आउटलेट है वहाँ पर जो डिस्प्ले चल रही है उस पर काफ़ी कलरिंग हो जाती है, काफ़ी कलर जो है वहाँ पर शो करते हैं। तो गाइस देखिए मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, थोड़ी सी देर में ही मैंने पूरा का पूरा आपको चक्कर लगवा दिया। और दूसरा एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है सामने, ये जो पूरा जो बिल्डिंग्स बनी है यहाँ से लेके और पूरा ऊपर तक, यहाँ पे जो है जितने भी जो ब्रांड्स हैं उनके छोटे जो है छोटे बड़े सबके सर्विस सेंटर मिलेंगे आपको वहाँ पे। तो अगर आप कभी आते हैं तो जनरली आप जो है ऊपर के जो फ्लोर्स है उनमें आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो आपको जो है सर्विस सेंटर सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। बाकी साइड से भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर लेफ्ट या राइट साइड का जो पोर्शन है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी छोटी छोटी रिटेल्स की शॉप है क्लॉथिंग वाली, ये देखिए टेम्पर्ड ग्लास भी लगा रहे हैं यहाँ पे, ये सब यहाँ लगा रहे हैं छोटे बड़े शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे सारे। मैं अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ तो मुझे काफ़ी आइडिया है कि मार्केट का कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या होता है, तो ये सब देखिए यहाँ पे। और एक और चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर आप नेहरू प्लेस में आते हैं ना तो ये जो नीचे का जितना सारा पोर्शन है सारा जो है रिटेल का है, अगर आप कंप्यूटर वगैरह कुछ खरीदते हैं लैपटॉप खरीदते हैं सारा रिटेल का है। लेकिन मैंने आपको अभी ऊपर दिखाया था वो है ग्राउंड फ्लोर, सॉरी अपर ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट फ्लोर कह लीजिए, जो यहाँ से लेके पूरा
इतना जो हिस्सा है ये सारा, ये जो है होलसेल मार्केट कह लीजिए या और यहाँ पे कंप्यूटर असेंबल वगैरह सब कुछ होता है यहाँ पे। जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी नेहरू प्लेस सिर्फ कंप्यूटर की मार्केट नहीं है, यहाँ पे जो है छोटे बड़े बहुत बड़े ऑफिसेज है यहाँ पे, जहाँ पे जो है रोज़ डेली बेस पे लोग आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और एशिया की सबसे बड़ी जो है कंप्यूटर मार्केट बोली जाती है नेहरू प्लेस। आप देख सकते हैं धूप हो रही है काफ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर काफ़ी क्राउड है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है आते रहते हैं काफ़ी। और कोई भी शॉप जो है कभी खाली नहीं दिखाई देगी आपको, यहाँ पे काम हमेशा चलता रहता है। तो ये देखिए गाइस, बाकी काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे जो कपड़ों की। तो अगर आप आएंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा जो है डिज़ाइंस और काफ़ी की वैरायटी मिल जाएगी कपड़ों की यहाँ पे। एक छोटा सा पोर्शन और दिखाता हूँ आपको, वो जो है बिल्कुल बैक साइड में है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैं जो है बिल्कुल पीछे आ गया हूँ, जहाँ जो मेट्रो का एंट्रेंस था जहाँ से हम आए थे, ये उसका बैक साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पे पार्किंग भी मिलेगी आपको और छोटी बड़ी शॉप्स है यहाँ पे रिपेयरिंग की। और यहाँ पे गाइस कुछ कबाड़ी भी बैठे हुए हैं, अगर आप अपने पुराने सामान को यहाँ पे बेचना चाहते हैं तो ये मार्केट है यहाँ पे। बाकी उस साइड में भी थोड़ी सी मार्केट है, यहाँ पे भी है। सामने जो है अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो मेट्रो का एग्ज़िट सामने है। और उसके अलावा यहाँ बैक साइड में कुछ खाने पीने की काफ़ी सारी छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई है, वो भी है। तो नेहरू प्लेस आएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी कुछ भी खाने पीने की। और जो ये रास्ता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये अगर आप ये देखिए गाइस, अगर आप मैकडी की साइड से आते हैं ना तो आपको यहाँ से वहाँ से अगर आप ऐसे आते हैं तो ये रास्ता आपको जो है वापस नेहरू प्लेस ले जाएगा। और बिल्कुल यहाँ सामने जो है एक छोले कुलचे की दुकान भी है जो कि काफ़ी बढ़िया है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो ये काफ़ी क्राउड रहता है यहाँ पर। बाकी यहीं से जो है आप अगर राइट हो लेंगे इस साइड से तो आप जो है वापस मैं दिखाता हूँ आपको, आप जो है नेहरू प्लेस में वापस पहुँच जाएंगे यहाँ पे। तो गाइस मैं जो है आ गया हुआ वापसी ग्राउंड में, जो मैं भी आपको लेकर गया था यहाँ पे। तो ये आ गया मेन ग्राउंड पूरा का पूरा, और सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी थी। ओके गाइस, तो व्लॉग हुआ ख़त्म यहाँ पे। आपको पूरा पूरा एक्सप्लोर करके मैंने दिखा दिया कि नेहरू प्लेस में क्या क्या है, और काफ़ी जल्दी में मैंने इसको ख़त्म कर दिया व्लॉग को। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया ना तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, एक और न्यू लोकेशन पे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय।